सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मतलब अलग होने वाली है, क्योंकि भाई आज हम ड्रैग रेस कराने वाले हैं टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन की। दोनों ही सेम कंपनी की गाड़ी हैं और दोनों की जो पावर फिगर और टॉर्क फिगर है वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो सबसे पहले भाई पंच की बात करते हैं। इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 84 BHP की पावर और 113 NM का टॉर्क। वहीं दूसरी तरफ इसकी भाई कॉम्पिटिटर है टाटा नेक्सॉन, जो कि प्रोड्यूस करती है 113 BHP की पावर और 170 NM का टॉर्क। तो भाई हम दोनों ही बैठ चुके हैं अपनी अपनी गाड़ी में, वो भाई नेक्सॉन में है और हम जो हैं अपनी बैठे हैं पंच में। फटाफट से भाई यहाँ से लगा लेते हैं अपनी गाड़ी को इको मोड के अंदर। भाई इको मोड के अंदर लगा ले अपनी, और जो AC वगैरह वो बंद कर दे। ठीक है भाई, हमने भी यहाँ से अपनी AC वगैरह जो है बंद कर दी है। तो भाई स्टार्ट करें करें स्टार्ट भाई, गाड़ी को निकल जाए तो पीछे दो गाड़ी आ रही है। भाई रेस के लिए रेडी है भाई, गाड़ी को हमने लगा दिया यहाँ पे भाई इको मोड के अंदर। इको मोड के अंदर है गाड़ी, AC वेसी सब ऑफ है। ठीक है भाई, करते हैं अपनी रेस को स्टार्ट। 3 हॉर्न पे चलेगी भाई। ठीक है, लो भाई नेक्सॉन कर दी हमने पीछे, बढ़िया डाल। ओहो नेक्सॉन रहेगी भाई पीछे, रहेगी गाड़ी भाई अपनी 60 क्रॉस कर चुकी है भाई। नेक्सॉन आ रही है थोड़ी थोड़ी, पकड़ रही है भाई, पकड़ रही है गाड़ी ऊपर, पकड़ने नहीं देंगे भाई बिल्कुल भी हम भाई। 100 अपनी गाड़ी जो है क्रॉस पहुंच चुकी है भाई। 100 के बाद नेक्सॉन क्रॉस कर दिया भाई हमको, 100 के बाद जो है गाड़ी नेक्सॉन क्रॉस कर चुकी है हमको। भाई पंच भाई 100 तक अपनी आगे थी और 100 के बाद जो है अपनी नेक्सॉन आगे निकल चुकी है। तो इस राउंड की जो विजेता है भाई, एक तरह से कुछ भी कह लो, या तो पंच है या फिर ये है, एक तरह तो भाई नेक्सॉन ही है क्योंकि 100 के बाद इसने क्रॉस किया है। बाकी 100 तक विजेता अपनी टाटा पंच है। तो भाई अभी करते हैं अपना सेकंड राउंड और देखते हैं इस बार क्या होता है। मिनी ड्रैग रेस में तो ये जीत सके। हाँ भाई क्या होगा भाई, 100 तक तो हमने हराया था तुम, 100 तक हमने हराया भाई। भाई ये कह रहा हूँ फाइनल है, कोई ना इब के देख लेंगे इब के भाई, गाड़ी को अपनी उसमें कर लो सिटी मोड के अंदर। ठीक है भाई, तो हम भी भाई यहाँ से अपनी गाड़ी को फटाफट से सिटी मोड के अंदर लगा लेते हैं। सिटी मोड के अंदर लग चुकी है। तुम्हारी कौन सी है, इको के अंदर रखोगे सिटी के? भाई सिटी के अंदर वो है, सिटी के अंदर ये है, और अब देखते हैं भाई कौन सी जीतती है। तो भाई वही है 3 ओरन पे, बाकी सेंटर में गाड़ी पूरी। भाई पिकअप के मामले में तो भाई पंच है आगे, कुछ भी कहो। भाई अब गलेगी आगे, भाई अब क्या गई आगे, भाई अब क्या गई, पर 100 पे गई है भाई आगे, 100 पे। फिर दोबारा से भाई मतलब नेक्सॉन ने जो है 100 पे ही क्रॉस किया है पंच को। ये तो भाई घना ही गैप बना दिया इस गाड़ी ने, ये तो वैसे भी हाथ ना हो पंच के, क्योंकि 120 के बाद तो भागी ना रही हो भाई, घना ही गैप बढ़ा दिया गाड़ी ने। अब नेक्स्ट राउंड करने वाले हैं। पिछले राउंड में भी भाई सिटी मोड के अंदर अपनी नेक्सॉन जो जीत गई है और अपनी पंच हार चुकी है, तो कोई बात नहीं, अब वो गाड़ी लगेगी भाई स्पोर्ट्स मोड के अंदर और देखेंगे भाई अपना जो गैप वगैरह वो कितना बनता है दोनों गाड़ियों के बीच। तो भाई रेडी है, स्पोर्ट्स मोड में लगा ली। रुक जा भाई, मैं थोड़े सेंटर में लगा लूँ गाड़ी को। 3 ओ सॉरी हॉर्न मारूंगा भाई, ले पकड़। भाई उठती तो पहले अपनी यही है, पंच कुछ भी कहो पहले उठती है, पर भाई बाद में बोली कट जाती है अपनी आगे। और ये भाई अपनी नेक्सॉन गई। वैसे एक चीज़ है भाई, 100 के बाद ही आसपास ही ये गाड़ी इसको क्रॉस करती है, उससे पहले भाई अगर शॉर्ट रेस करें ना भाई 100 तक ही, तो गारंटी से भाई अपनी जो है पंच जीतेगी, नेक्सॉन को ये पीछे छोड़ देगी आराम से, चाहे वो कोई सा भी मोड हो भाई, स्पोर्ट्स हो, इको हो या सिटी हो उसके अंदर।
बाकी भाई गैप बहुत बन चुका है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, इससे फालतू नहीं भगेगी भाई हमते। बाकी भाई गाड़ी की ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है, देखो 120 पे ऐसे रुकती है गाड़ी टन देसी ने। तो भाई फिर दोबारा जीत गए यार तुम तो, ऐसा थोड़ी होकर कभी आने जीत जान दो, थोड़ी मेसी बन जा। तो भाई ये थी आज की ड्रैग रेस, अपनी जो विजेता है वो है अपनी टाटा नेक्सॉन और अपनी टाटा पंच है वो भाई हार चुकी है। भाई वीडियो के अंत में आपको एक बात और बता दूँ, जो नेक्सॉन चला रहा था अपना भाई उसने कभी आज से पहले ड्रैग रेस नहीं की है और भाई उसका ये फर्स्ट टाइम है। तो हमें भी भाई पता था कि अपनी जो है नेक्सॉन जीत जाएगी ड्रैग रेस के अंदर, इसलिए हमने उसको टाटा नेक्सॉन ही दी थी और पंच हम खुद ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि भाई अगर नेक्सॉन को मैं ड्राइव कर रहा होता तो पंच का जीतने का कोई सवाल ही नहीं था 100 तक भी। इसलिए हमने ये गाड़ी अपने भाई को दी थी ताकि आपको दिखा सके कि नॉर्मल ड्राइव में भी नेक्सॉन पंच से कितनी आगे निकल जाती है ड्रैग रेस में भी। तो भाई ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।